न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर एक सेमिनार को भी संबोधित किया और कहा कि देश से किसी शरणार्थी को जाने नहीं देंगे और घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे। अपने संबोधन में अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी कितना भी विरोध करे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पारित होकर रहेगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि ये कदम उठाकर मोदी जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा किया है। सियासी सरगर्मियों के बीच पश्चिम बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर खुलकर अपनी बात रखी। राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी और नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर कोलकाता में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं सभी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थियों को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें देश छोड़ना नहीं पड़ेगा। आज स्थितियां बदली है, तृणमूल कांग्रेस कितना भी विरोध करे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पारित होने वाला है और सब शरणार्थियों को भारत का नागरिक बनने का गौरव ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। अमित शाह ने अपने भाषण में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। दीदी कह रही है कि हम एनआरसी नहीं होने देंगे। मैं आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे, चुन चुन कर बाहर। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और विद्यानगर नगर निगम के पूर्व महापौर सव्यसाची दत्त बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दत्त को पार्टी का झंडा सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नई ऊंचाई हासिल की है। मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में देश अब आगे बढ़ रहा है। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका, रूस, चीन सबको एक सूत्र में बांध दिया, यह हमारे लिए गर्व की बात है। अमित शाह ने कहा कि 2014 के चुनाव में भाजपा को राज्य से 2 लोकसभा सीट मिली थी, जबकि इस बार के चुनाव में 18 सीट मिली हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी। बाद में अमित शाह ने कोलकाता के एक सामुदायिक दुर्गा पूजा का उद्घाटन किया और माँ दुर्गा की आराधना की।